लास्ट 15-20 दिन में ये फीलिंग आना कि यार मैं सब कुछ भूल रहा हूँ, मुझे कुछ भी याद नहीं आ रहा, या फिर आई डोंट रिमेंबर इवन इफ आई डू नो दिस कॉन्सेप्ट और नॉट, दिस इज वेरी नॉर्मल। आखिरी 10 दिन में क्या मिस्टेक करेक्ट करने का टाइम बचा है? कुछ खास नहीं। तो मॉक्स देने कब चाहिए? एक महीना पहले। लोग जाके आखिरी 15 दिन में मॉक्स दे रहे हैं और मुंह काला कर लेते हैं। एथिक्स के क्वेश्चन को सिर्फ नेक्स्ट करके मेन बाकी के सब्जेक्ट्स में पहुंच जाइए, पहले उन्हें सॉल्व करिए और लास्ट का आधा पौन घंटा लेके आप एथिक्स को सॉल्व करें। मूविंग टू बकेट नंबर 2 नाउ, दैट इज द मिस्टेक्स डन इन द लास्ट 15-20 डेज ऑफ द एग्जाम्स। सुनना, यहाँ दो मिस्टेक्स मार्क किए मैंने, पहला है एग्जाम एंग्जाइटी, दूसरा है मॉक्स देना इन द लास्ट 2 वीक्स। ये बोथ ऑफ दीज गो हैंड इन हैंड। सुनना ध्यान से, इट्स लाइक दिस, आपकी कितनी भी अच्छी प्रिपरेशन हुई हो, लास्ट 15-20 दिन में ये फीलिंग आना कि यार मैं सब कुछ भूल रहा हूँ, मुझे कुछ भी याद नहीं आ रहा, या फिर आई डोंट रिमेंबर इवन इफ आई डू नो दिस कॉन्सेप्ट और नॉट, दिस इज वेरी नॉर्मल। अगर आपने 4-5 रिविजन्स किए ना, तो भी आपको कभी ना कभी ये फीलिंग आएगी ही आएगी कि क्या मुझे एग्जाम देना भी चाहिए, और शुड आई जस्ट पोस्टपोन इट, शुड आई जस्ट रन अवे ऑफ इट, शुड आई जस्ट प्लान फॉर सम अदर करियर, कहाँ फंस गया मैं, ये तो बहुत मुश्किल है। ये फीलिंग आनी तय है, दिस इज जस्ट नॉर्मल। वॉट यू कैन डू इज यू कैन जस्ट कंटिन्यू टू रिवाइज, यू कैन जस्ट कंटिन्यू टू डू वॉट इज इन योर हैंड्स, आपके हाथ में है प्रैक्टिस करना, वो मत छोड़िए। अगर आपको ये फीलिंग आ रही है कि क्या मैं इस एग्जाम में पास होऊंगा या नहीं होऊंगा, तो मैं कह रहा हूँ मान लो नहीं होंगे तो क्या फर्क पड़ेगा, कुछ नहीं होता। CV में वैसे भी क्या लिखते हो, वही एग्जाम के बारे में जो पास हो गया होता है, मत लिखना इसके बारे में सर इतना आसान नहीं है, हमने पैसे भर रखे, पैसे तो ऑलरेडी लग गए दोस्त, सम कॉस्ट है, काहे के लिए इतनी टेंशन ले रहे हो। सर अगर हम ये सोचें कि हम एग्जाम पोस्टपोन करा दें, क्या बचा लोगे? अगर तुम ये सोच रहे हो कि एग्जाम को पोस्टपोन कर देते हो, टेल मी व्हाट विल यू सेव प्रैक्टिकली, 40-50 हज़ार रुपये देके एग्जाम पोस्टपोन होता है, तो प्रैक्टिकली अगर आप एग्जाम में फेल हो जाते तो अगली बार एग्जाम भरने में 1-1.5 लाख रुपये लग जाते। अब अगर एग्जाम में नहीं देने गए, पोस्टपोन करा दिया, तो 50,000 रुपये देके पोस्टपोन करा रहे हो, तो प्रैक्टिकली द गेम इज ऑफ 50-75,000 रुपीज। मुझे पता है आप में से बहुत लोगों के लिए 50-70 हज़ार रुपये बहुत ज़्यादा मैटर करते हैं, बट मैं कुछ और कह रहा हूँ, ध्यान दो, आप चाहे कितनी भी अच्छी प्रिपरेशन कर लो, ये फीलिंग आना कि काश मुझे 10 दिन और मिल जाते, काश मुझे 1 हफ्ता और मिल जाता, दिस इज वेरी नॉर्मल। क्या 12th क्लास के पहले कभी नहीं लगा था ऐसा? मुझे तो लगता था। इनफैक्ट आई डोंट रिमेंबर 1 सिंगल ब्लडी एग्जाम इन माई लाइफ जिससे पहले मुझे ये ना लगा हो कि काश मेरे पास इतना समय और होता। मुझे तो एग्जाम के दिन पर ये लगता था काश 1 घंटा और मिल जाए। अगर आपको भी ऐसी फीलिंग आती थी तो नीचे चैट बॉक्स में ज़रूर लिखना। डू मैसेज मी दैट यस यू हैव ऑल्सो फेस सिमिलर एग्जाम एंग्जाइटीज। सर सॉल्यूशन क्या है इसका? सॉल्यूशन एक ही है दोस्त, आफ्टर हैविंग गिवन सो मेनी एग्जाम्स इन माई लाइफ माई ओनली टेक अवे वॉज दिस 1 सिंगल लाइन, इट्स नॉट ओवर टिल इट्स ओवर। जब तक के आपके पास समय बाकी है लगे रहो, आपको नहीं पता आपकी मेहनत आपको कितना दूर तक ले जा सकती है। इफ यू आर डूइंग योर बिट ऑफ हार्ड वर्क, यू माइट एक्चुअली जस्ट एंड अप क्लियरिंग दिस एग्जाम, इवन इफ यू हैव डन एन नंबर ऑफ मिस्टेक्स ऑल थ्रू द लाइफ। ठीक है ना, दैट वॉज अबाउट एग्जाम एंग्जाइटी। सेकेंड, I was talking about the fact that a lot of students give mocks in the last 15 days. The second mistake thi wo yahi thi na, last 15 days mein exam mein mocks dena. Ab dekhna hota kya hai, jab aap last 15 days mein mocks dete ho, agar aapka score bahut acha aa jaye to bhi dar kam nahi hota hai, to aapko lagta hai ha ye to isme to aa gaya, exam mein nahi aaya to, aur agar aapka mocks mein marks niche aa jate hain, kam aa jate hain, to aapko lagta hai yahi nahi aa raha, exam mein kya aayega, to mocks dena hi kyun hai? In fact soch ke dekho, mocks ka मतलब what is the intent of giving a mock exam? The intent is to tell you that these are your mistakes, please correct it. अब आखिरी 10 दिन में क्या mistake correct करने का time बचा है? कुछ खास नहीं। तो mocks देने कब चाहिए? एक महीना पहले। लोग जाके आखिरी 15 दिन में mocks दे रहे हैं और मुंह काला कर लेते हैं। This is not the way to do it. This was about the second bucket. Let's move to the last bucket now. Bucket number 3. That is the mistakes on the exam day. यहाँ पे दो mistakes discuss करने वाला हूँ। पहली मिस्टेक डिस्कस कर रहा हूँ, बैड टाइम मैनेजमेंट इन द एग्जाम हॉल। मेरा एक स्टूडेंट ने बहुत बेहतरीन प्रिपरेशन की, जितनी मैंने मिस्टेक्स अभी तक डिस्कस की हैं इनमें से कुछ भी नहीं की, बेहतरीन प्रिपरेशन करके एग्जाम हॉल के अंदर गया। फर्स्ट हाफ में AM सेशन में करीब करीब 1-1.25 घंटा लगा के सिर्फ और सिर्फ एथिक्स किया, बाकी 4 सब्जेक्ट्स करने के लिए कैंडिडेट के पास सिर्फ 1 घंटा बचा था। दिस कैंडिडेट was someone who should have been in the top 1, top 10 percentile, and he ended up
फेलिंग दैट अटेम्प्ट. ऑब्वियसली ही गेव द अटेम्प्ट नेक्स्ट टाइम अराउंड, गॉट अ टॉप 10, टॉप 1 परसेंटाइल मार्क्स, वॉट एवर, एंड ही इज डूइंग रियली वेल इन हिज लाइफ एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम. बट इसने क्या गलती की थी, एग्जाम हॉल में, एग्जाम रूम के अंदर टाइम मैनेजमेंट को बुरी तरीके से स्क्रू अप किया था. इनफैक्ट ही डिड द बिगेस्ट कार्डिनल मिस्टेक. एग्जाम में आपने एथिक्स एज अ फर्स्ट सब्जेक्ट कभी अटेम्प्ट नहीं करना है. एग्जाम पैटर्न आज की डेट में इस तरीके का है कि एथिक्स के क्वेश्चन एक साथ आते हैं, बाकी सारे के सारे क्वेश्चंस जो हैं, सब्जेक्ट्स जो हैं, वो जंबल्ड अप है. तो एथिक्स के क्वेश्चन को सिर्फ नेक्स्ट नेक्स्ट करके मेन बाकी के सब्जेक्ट्स में पहुंच जाइए, पहले उन्हें सॉल्व करिए और लास्ट का आधा पौन घंटा लेके आप एथिक्स को सॉल्व करें. सर ऐसा क्यों एडवाइस दे रहे हो? एथिक्स के क्वेश्चन में कॉन्क्रीट तरीके से बोलना कि आंसर ए बी या सी हो, ये बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है किसी भी स्टूडेंट के लिए. अगर आपने ऑप्शन ए मार्क किया है तो आपका दिल कहता है नहीं शायद बी बेटर ऑप्शन होगा, अगर आपने बी मार्क किया है तो लगता है नहीं ए बेटर होगा. दिस इज़ वेरी नॉर्मल इन एथिक्स. द सॉल्यूशन इज दैट एथिक्स को सबसे एंड में अटेम्प्ट करें, दूसरे सब्जेक्ट्स पहले क्लोज कर लें, एंड में जितना टाइम बचेगा उसको अच्छे से एथिक्स पे दें एंड देन जस्ट क्लोज इट. इनफैक्ट एग्जाम में इन CFA लेवल 1 यू गेट 1.5 मिनट्स टू सॉल्व वन क्वेश्चन, एंड ट्रस्ट मी इट इज़ मच मोर देन इनफ. इनफैक्ट अगर आप वेल प्रिपेयर्ड हो तो देर इज़ नो रीज़न कि ये 2 घंटा 12 मिनट, मोटा मोटा 2.25 घंटे का एग्जाम, देर इज़ नो रीज़न कि आपसे 2.25 घंटे का एग्जाम 2.25 घंटे में ना हो जाए. 1 घंटा 45 मिनट इज़ मैक्स यू कैन टेक टू कम्प्लीट द होल थिंग. क्वेश्चन इतने ज़्यादा स्ट्रेट फॉरवर्ड भी आते हैं कि आपको इतना समय लगना ही नहीं है. दैट वॉज अबाउट द मिस्टेक ऑफ बैड टाइम मैनेजमेंट एंड हाउ टू गेट रेड ऑफ इट. मूविंग टू द लास्ट मिस्टेक नाउ, मिस्टेक नंबर 8. आई नेवर थॉट कि मुझे इसके ऊपर वीडियो बनानी पड़ेगी, बट बिकॉज मैंने पर्सनल एक्सपीरियंस में लोगों को ये गलती करते हुए देखा तो आपके सामने ज़रूर लेके आ रहा हूँ ये बात. फॉरगेटिंग योर पासपोर्ट और फॉरगेटिंग योर कैलकुलेटर इनसाइड द एग्जाम हॉल. मैं कैंडिडेट्स को जानता हूँ एंड आई एम नॉट मेकिंग इट अप, मैं कैंडिडेट्स को जानता हूँ हु फॉरगॉट देयर पासपोर्ट इनसाइड द एग्जाम हॉल, हैड टू कॉल देयर पेरेंट्स, पेरेंट्स को आने में टाइम लग गया और उनको एग्जाम में ही नहीं बैठने दिया गया. अगर ये कैंडिडेट एग्जाम देते तो डेफिनेटली टॉप 10% में होते, दे हैड सुपर प्रिपरेशन, बट देन व्हाट्स द पॉइंट, दे वर नॉट अलाउड टू राइट देयर एग्जाम्स. सिमिलरली देयर वाज अ कैंडिडेट हु वाज अपीयरिंग फॉर हर लेवल 2 एग्जाम्स विद मी वे बैक 10 years back, एंड दिस कैंडिडेट हैड फॉरगॉटन हर कैलकुलेटर इन द PM सेशन, जो सेकेंड हाफ होता है उसमें वो कैलकुलेटर बाहर भूल के आ गई थी. शी थैंक्ड मी लाइक एनीथिंग बिकॉज I was carrying 2 calculators. Please don't do these mistakes. Matlab, as silly as it might sound, it may just cost you your level 1 result. I hope ye video se aapne bahut sara takeaway liya hoga. I hope aap inme se koi bhi mistakes nahi karenge. I hope aapki journey mein koi bhi friction nahi aayega. It will be a smooth journey. अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, नहीं अच्छी लगी हो तो डिसलाइक करना. बताना किन टॉपिक्स पे आप मुझसे चर्चा करना चाहते हैं. थैंक्स अ लॉट, टेक केयर, बाय बाय, एंड एज आई ऑलवेज से मे गॉड बी बाय योर साइड.